हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टडी केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम पदार्थ और उसके परिवर्तनों का के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न व्हाट द वर्ड्स सब्सटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस मीन इन साइंस। राइट, सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंसेस इज मैटर व्हिच हैज अ स्पेसिफिक कंपोजिशंस एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एक पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें एक विशिष्ट संरचना और विशिष्ट गुण होते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, अ पेन, अ पेंसिल, अ टॉय इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, पानी, हवा, पेन, पेंसिल, कुछ भी है, वो सब किससे बने हुए हैं? मैटर से। क्लियर। एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। कुछ भी जो स्थान लेता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ, यानी मैटर। एवरी प्योर एलिमेंट इज अ सब्सटेंस एंड एवरी प्योर कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। सभी शुद्ध तत्व क्या है? एक पदार्थ है। और सभी शुद्ध यौगिक भी क्या है? एक पदार्थ है। राइट, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस। Iron is an element and hence is also a substance. Iron क्या है आपका? एक element तो है ही, लेकिन वह एक substance भी है, पदार्थ भी है। Right? Methane is a compound and hence is also a substance. Right? Examples of non-substances. Salt water is not a substance. इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। सॉल्ट वाटर आपका क्या है? सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि वो दो चीजों का क्या है? मिक्सचर है। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इट्स कंपोजिशंस एंड देयरफॉर इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स्ड। इसकी संरचना और जो गुण है वो क्या है? निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है? सब्सटेंस नहीं है। राइट, सेकेंड क्या था हमारा? ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस आर अ काइंड ऑफ चेंज। चेंजेस टेक प्लेस एवरी मोमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका? परिवर्तन है। और परिवर्तन एक तरह का बदलाव है, जो मतलब हर पल क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। राइट, दे आर ऑफ टू काइंड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका क्या है? फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। राइट, एक आपका भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। क्लियर, फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल चेंज। राइट, इससे हम पहले मतलब फिजिकल चेंज। इन अ फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इन सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या होता है? पदार्थ में कोई चेंज नहीं होता है। इज देयर एनी चेंज इन सब्सटेंस व्हेन आइस मेल्ट्स, वाटर फ्रीज, वाटर बॉयल्स, दिस सब्सटेंस रिमेन्स वाटर इन ऑल दिस चेंजेस। अगर इसमें कोई चेंज होता भी है तो वो पदार्थ क्या होता है? फिर से अपने पुराने वाले ही पदार्थ में चेंज हो जाता है, आ जाता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन राइट इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, दे कैन इजली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब इसमें क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वो क्या आसानी से अपने पुराने यानी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। राइट, क्या होता है? पानी से हम क्या होते हैं? बर्फ जमा लेते हैं और फिर से बर्फ पिघल के क्या होती है? पानी ही बन जाता है। राइट, सेकंड केमिकल चेंज देख लेते हैं। पहले केमिकल चेंज। केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस चेंजेस। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग। What happens when paper or wood burns?
paper and wood are made of a substance called cellulose, right? And it is the cellulose that burns. While burning, cellulose takes up oxygen from air and gives two new substances, carbon dioxide and water. केमिकल चेंज का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका, क्या है, बर्निंग। जब भी हम कोई चीज जला देते हैं, पेपर हो या लकड़ी हो, वो क्या होता है, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता है, राइट। जैसे क्या होता है कि हम अगर एक बार पेपर को जलाते हैं, सेल्यूलोज किससे बनता है, जैसे कि पेपर जो सेल्यूलोज से बनता है, अगर हम जला लेते हैं उसको, तो क्या होता है वो अब ऑक्सीजन फॉर्म, इट इज द सेल्यूलोज दैट बर्न्स, व्हाइल बर्निंग सेल्यूलोज टेक अप ऑक्सीजन फॉर्म एयर एंड गिव्स टू सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या होता है, टू फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और वो क्या होता है, अपने पुराने मतलब ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, क्लियर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज में देखिए, इट इज रिवर्सिबल, मैंने आपको बताया वो जो आपका फिजिकल चेंज हो जाता है होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकता है, बट इट केमिकल चेंज जो होता है, इट इज इरिवर्सिबल, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं हो सकता है। इट इज टेम्पररी, या कुछ समय के लिए होता है, राइट। इट इज परमानेंट, जो फिजिकल चेंज होता है वो आपका टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो आपका परमानेंट होता है, मतलब हमेशा के लिए वो चेंज हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बट केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल कंपोजिशंस इज अनचेंज्ड, जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड, इसमें जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, परिवर्तित हो सकती है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रिया। व्हेन देयर इज अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, राइट। व्हेन कार्बन सल्फर एंड सेल्यूलोज बर्न केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, जब कार्बन सल्फर और सेल्यूलोज जलते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। मेनी सच रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मील्स, द डाइजेशन ऑफ फूड एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, भोजन पकाने, भोजन को के पाचन के लिए और जो पौधे जानवरों की वृद्धि के दौरान, ऐसी कई प्रतिक्रियाएं होती हैं, राइट। ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय और यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल। इन सबकी जो वृद्धि के दौरान जो ऐसी कई प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का निर्माण या उपयोग किया जाता है जिसे रसायन कहा जाता है, राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द कॉमन फर्टिलाइजर्स यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड और ऑल केमिकल्स। जो एग्जाम्पल है आपका, डायमोनियम है, सामान्य उर्वरक है, फॉस्फेट है, चूना है, सुपर फास्फेट है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, पोटेशियम, ये सब क्या है आपके, रसायन है, यानी क्या है, केमिकल्स हैं, क्लियर। लिखा है नेक्स्ट, हाउ केमिस्ट्री इवॉल्व्ड, रसायन कैसे विकसित हुआ, कैसे आया। ह्यूमन बीइंग्स हैव कंटिन्यूअसली मेड एफर्ट्स टू लीड अ बेटर लाइफ, मानव
हमेशा क्या करता है, बेहतर जीवन जीने के लिए निरंतर प्रयास किया करता है, राइट। दे हैव लुक्ड फॉर वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वो क्या करता है, उन्होंने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उस उपज में सुधार के तरीकों की तलाश की है, राइट। दे हैव सर्च्ड फॉर वेज टू इम्प्रूव क्लॉथिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एज वेल। इन एडिशन दे हैव सर्च्ड फॉर मेडिसिन इन ऑर्डर टू क्योर डिसीजेज। केमिस्ट्री बिगेन एंड इवॉल्व्ड इन द कोर्स ऑफ ऑल दीज क्वेस्ट्स। वो क्या करता है, उन्होंने कपड़ों और बिल्डिंग मटेरियल्स को बेहतर बनाने के तरीके खोजे। इसके अलावा उन्होंने रोगों की दवाइयाँ, मतलब रोगों को ठीक करने के लिए कई सारी दवाइयों की खोज की। रसायन विज्ञान शुरू हुआ और सभी क्वेस्ट्स के दौरान विकसित हुआ। इन्हीं सब के कारण क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री जो हुआ स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, विकसित हुआ। द स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियन एरिया इज एगिप्ट सॉ द बिगनिंग ऑफ केमिस्ट्री। द इजिप्शियंस वर गुड एट वर्किंग विथ मेटल्स ग्लासेस एंड डाइस। क्या था, मिस्र में ईसाई जो युग था, मिस्र में जो ईसाई युग की शुरुआत ने रसायन विज्ञान की शुरुआत देखी। मिस्र के लोगों ने क्या है, धातु चश्मा और रंगों के साथ काम करने में अच्छे थे, जो मिस्र के लोग थे। उस समय के दौरान भारतीयों ने भी धातु विशेष रूप से लोहे के साथ काम किया। About that time, the Indians too worked with metals, especially iron. They also prepared medicines for herbs and minerals. उन्होंने जड़ी बूटियों और खनिजों की दवाएं भी तैयार की, right? और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ईसाई युग के मिस्र में शुरू की गई, स्टार्ट हुई, और आगे हम क्या करेंगे, आगे फिर डिस्कस करते हैं सब के बारे में। So that's all for today guys. We will meet in the next video. Thank you.